इसमें से देख लीजिए, ये जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये है पांच तत्व, फाइव एलिमेंट। ये लिखा है पांच तत्व, यहाँ पे देख पा रहे हैं आप, फाइव एलिमेंट है, और उसकी ऊर्जा एनर्जी सिक्स एनर्जी भी यहाँ पे दिया गया है। जैसे कास्ट है विंड, इसको इसी नाम से आपको जानना पड़ेगा, ध्यान रखिए। आपको प्रैक्टिकली चीज मैं एकदम बता रहा हूँ इसको कैसे उपयोग करना। थेरेपी, ये उड है, और उड की जो एनर्जी वो क्या है, यहाँ पे है विंड, ये लिखा है विंड है इसकी। अच्छा, विंड को क्या करेंगे, इसको कहेंगे आप चंचलता। विंड का मतलब यहाँ पे वायु तो लिख दिया, लेकिन वायु नहीं है यहाँ पे, विंड मतलब चंचलता, गतिशीलता, इसकी ऊर्जा है विंड, इसकी एनर्जी है। अग्नि की जो ऊर्जा एनर्जी है वो है आपका क्या है, उष्मा, हीट। इसकी दो एनर्जी है, इसकी एनर्जी कितनी है, टू एनर्जी है। क्यों टू एनर्जी है, देखो सिक्स एनर्जी तभी बन रहा है ना, ये फाइव एलिमेंट है उसकी सिक्स एनर्जी, तो यहाँ पे दो एनर्जी, देखिए उष्मा और प्रवर उष्मा, यहाँ पे मैं कॉमा लगा देता हूँ, देखिए ठीक है ना, उष्मा और प्रवर उष्मा। प्रवर उष्मा मतलब हॉटनेस, मतलब और ज्यादा गर्म, क्लियर है। एक तो गर्मी है, अब एक बहुत ज्यादा गर्म है, उससे भी और ज्यादा गर्म है, तो ये टू एनर्जी मतलब अग्नि के दो एनर्जी है। अगर आपसे पूछा जाए कि फाइव एलिमेंट से कौन सा ऐसा एलिमेंट है जिसकी टू एनर्जी है, तो आप कहेंगे फायर। कौन कौन से, हीट एंड हॉटनेस, उष्मा गर्मी और गर्माहट, ऐसे कह सकते हैं, प्रवर उष्मा कहा गया है, उष्मा और प्रवर उष्मा। किसी को थोड़ा भी डाउट हो तो आप बता देना, इसकी टू एनर्जी के रूप में से कन्वर्ट किया गया है, एक सामान्य गर्मी है, बहुत ज्यादा गर्मी के रूप में स्वीकार किया गया है। पृथ्वी का है आर्द्रता, आर्द्रता मतलब ह्यूमिडिटी, भारीपन, जैसे बारिश के मौसम में जो होता है ना ह्यूमिडिटी होती है, तो भारीपन लिया, चिपचिपा देखना, शरीर में चिपचिप करते रहते हैं, ये ह्यूमिडिटी है। और धातु मतलब मेटल, इसमें होता है शुष्कता, ड्राइनेस, ये इसकी एनर्जी है, ऊर्जा है। अगर धातु संबंधी कोई प्रॉब्लम होगी तो आपके शरीर में शुष्कता आ जाएगी, ड्राइनेस होगा, क्लियर है ये। और जल मीन्स वाटर, वाटर का है शीतलता, कोल्डनेस, ठंडापन। अगर ठंडापन लिए हुए कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आपको समझना पड़ेगा कि ये वाटर से संबंधित रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम्स है आपके पास। तो इस तरह से मैंने आपको ये पांच तत्व और छह एनर्जी के रूप में हमने इसे चर्चा किया है। अच्छा, एक चीज और आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि इसमें जैसे उड है, मान लीजिए यहाँ देखिए उड, इस उड में क्या है, इसके दो क्या है, इसके दो आर्गन्स हैं। कौन कौन से आर्गन्स है बताइए जरा, एक बाहर जो है गाल ब्लेडर है, अंदर कौन सा है, लीवर है। एक नोट डाउन करेंगे आप लोग, इसमें इन और यांग पढ़े होंगे आप लोग, पढ़े इन और यांग, क्योंकि यस सर, चाइनीज एक्यूपंक्चर में इन और यांग, यांग का बड़ा ही वैल्यू है, और इसी में सब कुछ चलता है, इन और यांग में। तो क्या होता है इन यांग, जरा कोई एक बात बता दे मेरे को, कोई कोई चर्चा करो, इन किसे कहते हैं, यांग किसे, इसको आप लोग नोट डाउन करते जाइए, बहुत सारे लिख लेंगे आप इन यांग को, अगर इसको नहीं समझे तो कुछ नहीं समझेंगे। जैसे हम लोग अपने योग में शिव और शक्ति कहते हैं ना, दो है सृष्टि को चलाने वाला, वैसे ये भी इसमें क्या है, दो है जो पूरे सृष्टि को चलता है, पूरे बॉडी इसी से बनती, इन और यांग से। जब थेरेपी भी करते हैं तो इन यांग से, जब कोई रोग आ गया देखते हैं कि ये रोग जो है इन वाला है कि यांग वाला है, इसको भी हम लोग देखते हैं। और जब इन और यांग जब जानेंगे तभी आप थेरेपी दे सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आपका तुरंत में एकाएक आपके सामने कोई डिजीज आ गया, जैसे सर्दी जुकाम आ गया, आप ये समझना पड़ेगा यार ये डिजीज जो है इन है कि यांग है, प्रश्न हो गया यांग आपके पास ना, यांग होगा। नुतेंद्र क्यों यांग कहा आपने बताओ, सर, वो इसलिए बताए थे कि सर ने बताए थे सर कि हाँ एक्यूट अरे बताए थे डिजीज इसलिए नहीं है, नहीं, हाँ हाँ एक्यूट डिजीज, यस। जो भी कोई अगर एकाएक आ जाए भारी, मतलब जैसे कि तूफान की तरह आता है और तुरंत वो चला जाता है, तो ये वाले डिजीज जो हमेशा क्या होता है, वो क्षण भर के लिए जो आ जाए शरीर को पूरा हिला दे, तो वो क्या होगा आपका, यांग होगा। लेकिन इसको समझने से पहले थोड़ा सा इसका, मैंने कहा कि इन और यांग को डिफाइन करना पड़ेगा, इन क्या होगा और यांग क्या होगा। आप ये कहेंगे सर ये इन यांग क्या है, तो इन और यांग चिंग चांग यिंग यांग ये क्या है, वो चाइनीज लैंग्वेज है, पहले आपको समझना चाहिए, ठीक है ना। तो ऐसे हमसे इसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, उनकी लैंग्वेज है, बट यदि आप इसको शिव और शक्ति भी कह दें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसको प्लस और माइनस एनर्जी कह दें तो भी कोई दिक्कत नहीं है भाई, क्षेत्र विशेष में नाम अलग अलग हो सकता है, बट इनकी कार्य जो है एक ही है, समझ रहे हैं। तो
तो अच्छा, मैं ये चर्चा कर रहा था आपसे कि ये इन यांग है, तो इन क्या है, यांग क्या है, पहले बड़े ध्यान से नोट कीजिए इसको आप। इन की क्वालिटी हमने पढ़ाया था, आप लोग हमारे सेकंड सेमेस्टर वाले भी साथ ही जुड़ रहे हैं, इसमें जुड़े हुए हैं, तो इन किसे कहेंगे और यांग किसे कहेंगे, इसको आप लोग, कॉपी पेन आपके पास है तो आप नोट डाउन करें। नंबर वन, एक तरफ इन लिखे, दूसरी तरफ यांग लिखे आप लोग, एक लाइन में इन हो दूसरे लाइन में यांग हो, ठीक है ना। तो फर्स्ट इन किसे कहेंगे आप, सबसे कहे है, इन कहेंगे हम अंदर वाले भाग को, कहीं पे भी हो, जैसे मेरे हाथ का ये है, अगर ये मुट्ठी बांध दूं, ऐसा मुट्ठी बक पे कर दूं, तो मुट्ठी के अंदर का जो भाग है वो क्या हो जाएगा, बोलिए, इन, और ये बाहर का भाग क्या हो जाएगा, यांग। यांग इसका मतलब अंदर वाले जो भी पार्ट है वो सब इन है और बाहर वाला भाग क्या हो गया, यांग। अब चलो इसी में चर्चा करते हैं, पेट का अंदर का जो छोटी आंत बड़ी आंत है वो क्या होगा, इन, और बॉडी का ऊपर का कवरिंग भाग क्या हो जाएगा, यांग। देखिए सृष्टि के प्रत्येक वस्तु का इन और यांग है। फॉर एग्जाम्पल ये बुक देख रहा हूं, आप लोग बताइएगा, मैं जिनसे पूछ रहा हूं, बच्चा लाल, इस पुस्तक का ये कवर इन है कि यांग है, बताइए, जल्दी स्पीकर खोलो, यहीं पे रहो, आदर्श जी बताइए आप, इस पुस्तक ये कवर इन है कि यांग है सर, ये आउटर जो पार्ट है वो यांग है और इन पार्ट भैया। ये यस यस, इन नाइस नाइस नाइस, मैंने कहा था अंदर का भाग इन होगा, बाहर का भाग क्या होगा, यांग होगा। एक समझ आ गया आप लोग को, शालोनी, ठीक है, जिसको दिक्कत थोड़ी हुई और सर। दूसरा बताता हूँ, दूसरा मैं बताता हूँ, चलो एक एक हो गया। दूसरा, एक अंदर और बाहर दो ले लिख लिया आप लोगों ने, फिर नीचे और लिख लीजिए, इन हमेशा, इन आर्गन हमेशा क्या है, कंटिन्यूटी में काम करता है, क्या करता है ये, कंटिन्यूटी में काम करता है, और यांग क्या करता है, कुछ समय काम करता है फिर रेस्ट करता है, मतलब रुक रुक कर काम करता है, ये महत्वपूर्ण कार्य है किसी प्रॉब्लम को समझने में। इन जो है धीरे धीरे करता है बट कंटिन्यूटी में काम करता है। अब चलिए इसमें से मैं दो पूछता हूं, एक स्त्री और पुरुष, इसमें कौन सा इन है कौन सा यांग होगा, चलिए बताइए। मैंने कहा ना, एक जो कंटिन्यूटी में काम करता रहता है और एक जो कुछ समय काम करता है फिर रेस्ट करता है, अगर इसमें स्त्री और पुरुष की तुलना किया जाए तो कौन इन होगा कौन यांग होगा, निधि, निधि तुम बताओ, अनुराधा, जल्दी से, यस, आप लोग यही है ना, हाँ, कौन होगा जी बताओ, सर इन कौन होगा, आपको क्या लगता है कौन कंट्रीटी में काम करता है, पुरुष करता है या महिलाएं, महिलाएं कंफ्यूज हो रही है। हाँ ये देखो अनुराधा बोल दी, महिलाएं हैं। सर वाई, महिलाएं इसलिए है क्योंकि वो सुबह से उठ करके, भले आज के जमाना भर चेंज हो गया थोड़ा सा, सॉरी, लेकिन सत्य यह है कि महिलाएं सुबह से उठ करके और रात्रि में सब कुछ खाना पीना हो जाने के बाद, सब कुछ सोने के बाद सोती रही हैं, अब सोती भी होंगे ऐसा मैं मानना है मेरा, तो इसलिए इन है। और एक हो गया, अब पुरुष क्या करता है, काम करके आता है, बाहर आता है, खाना खाता है, बेचारा सो जाता है, तो इस तरह से वो कहो यांग हो गया, लेकिन काम ज्यादा करता है वो मेहनती काम करता है, हार्डवर्क करता है, तो हार्डवर्क जो वाला है, एकाएक बहुत ज्यादा काम करने वाला है वो यांग है, दूसरा हो गया। तीसरा नंबर पॉइंट लिखिए इसमें, तो मैंने कहा एक कौन सा हो गया कंटिन्यूटी में काम करने वाला, और एक कौन सा हो गया आपका कुछ समय काम के रेस्ट करने वाले प्रक्रिया, मतलब थोड़ा थोड़ा कार्य करने वाला, जो आपका यांग हो गया। तो एक तो इन मैंने अंदर और बाहर ले लिया, और ये कार्य के अकॉर्डिंग कर लिया। तीसरा नंबर जो कर लेते हैं, इन जो है, इन हमारे आर्गन जो है उत्पन्न करने की क्षमता, इसके अंदर में क्या करने की क्षमता है, उत्पन्न करने की क्षमता, किसी चीज को प्रोड्यूस प्रोड्यूस करने की क्षमता इन के पास है, यांग केवल उसमें क्या करता है, फंक्शन करता है, कार्य करने की क्षमता। दो चीज ध्यान रख लीजिए, एक में उत्पन्न करने की क्षमता है और दूसरे में केवल ओनली फंक्शनल है, कार्य करते हैं, केवल कार्य कराता है वो, दूसरा कार्य नहीं करा सकता, केवल उत्पन्न कर सकता है। मैंने स्त्री और पुरुष में कहा हो कि संतान उत्पन्न करने की क्षमता किसमें है, स्त्रियों में है, पुरुषों में नहीं है, लेकिन फंक्शन जो कार्य करने की क्षमता जो होती है वो पुरुषों के पास है। इसके लिए जो आर्गन किसी को उत्पन्न करता है तो वो होगा इन, और जो केवल फंक्शन करता है वो होगा क्या है, यांग। बड़ा रहस्य, ध्यान रखते हैं, एक एक पॉइंट नोट करके ध्यान रखिए, क्योंकि आपको अगर आगे थेरेप्यूटिकल अगर अगर आगे बढ़ना है तो इन रूल्स को ध्यान रखना पड़ेगा।
नंबर चौथा नंबर नोट कर लीजिए, एक जो स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर मतलब बनावट, यही वाले जो बात कही, स्ट्रक्चरल को कंट्रोल करता है, और दूसरा जो है यांग जो है फंक्शनल को कंट्रोल करता है, फंक्शन को कंट्रोल करता है। इसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मतलब आपके लिए ये है, इन हमेशा स्ट्रक्चर को और यांग क्या करता है फंक्शन को। मैं एक एग्जांपल देता हूँ, कोई प्रॉब्लम रोग आ गया, सर्दी जुकाम आ गया, ये फंक्शन प्रॉब्लम है या स्ट्रक्चर प्रॉब्लम, बताइए आप लोग। चलो आप समझ जाएंगे। हाँ कविता क्या सर बोल रही हैं, फंक्शन, फंक्शनल फंक्शन सर। प्रॉब्लम, यस फंक्शन प्रॉब्लम, नाइस। लेकिन पेट में अल्सर हो गया, पेट में क्या हो गया अल्सर हो गया, अल्सर मतलब घाव हो गया। अब बताइए ये स्ट्रक्चर प्रॉब्लम या फंक्शन प्रॉब्लम है, घाव हो गया स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर प्रॉब्लम, किडनी किडनी में श्रिंकिंग, सिंक करता है किडनी जो सिकुड़ने लगता है। अब सिकुड़ने लग रहा है तो सिकुड़ना क्या है, फंक्शन है या स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल स्ट्रक्चर है, स्ट्रक्चर स्ट्रक्चर इसलिए होगा क्योंकि वो सिकुड़ रहा है। लेकिन बार बार यूरिनेशन होना, पेशाब होना, ये क्या होगा, फंक्शनल। फंक्शन। हाँ ये फंक्शन होगा, नाइस, ये होगा फंक्शन का। हाँ स्पीकर ऑन रखा करे, थोड़ा सा फिर बंद कर लिया करे, ये फंक्शन की प्रॉब्लम है। तो आपको यही इन यांग के कारण डिजीज को आपको ध्यान रखना है, तो इस तरह से भी चलेगी आपका, आपको समझना पड़ेगा। अब इन और यांग में मैंने कहा कौन सा आर्गन है, जैसे फॉर एग्जाम्पल देखिए मैंने यहाँ पे दिया है, चलो मैंने यूरिनेशन और किडनी के बारे में बात की है। देखो यहाँ पे यूबी, इस चैनल को देखिए जरा, इस वाले मैं प्रेजेंटेशन को दिखा रहा हूँ, ये प्रेजेंट देखिए, यहाँ पे देखिए किडनी और यूरिनरी ब्लड दिया है आपका। अब इस देखो जो आपके वो प्रेजेंटेशन हो रहा है, इसमें जो एक बना हुआ है ये देखिए, क्या मेरा कर्सर दिख पा रहा है आपको, क्या जो कर्सर घुमा रहा हूँ दिख रहा है वहां पे, यस ये अंदर ये सर। लाइन के अंदर वाले जितने भी आर्गन से वो सारे सारे इन है, और इस जो बॉर्डर लाइन गोल बना है राउंड सर्कल, इसके बाहर में जो दिया हुआ है वो सारे यांग है। मैंने कहा था जो अंदर है वो सारे इन होता है और बाहर होता है वो सारे क्या है, यांग आर्गन है। अब देखिए हार्ट को देखिए, हार्ट क्या है, तंत्री में काम करता है, करता है या नहीं करता है बताइए, लगातार ये रुकता नहीं, कभी रुकने वाला नहीं। लेकिन स्मॉल इंटेस्टाइन क्या होता है, कुछ समय काम करता है, खाना खाया पचाया और कुछ भी नहीं खाया तो रेस्ट करता है। स्प्लीन को देखिए, कंटिन्यूटी में काम करता है, हमारे जो एनर्जी है फूड एनर्जी उसे क्यूम एनर्जी में बदलता रहता है स्प्लीन और स्टमक, खाना खाया तो काम करेगा, खाना नहीं खाया उपवास जिस दिन है उस दिन तो खाली। लंग्स कंटिन्यूटी में काम करता है, लार्ज इंटेस्टाइन, जैसे ही पेट साफ हो गया तो खाली खाली पूरे खाली रह जाता है। किडनी फिल्ट्रेशन का काम है, पेशाब यूरिनरी, एक बार पेशाब कर दिए तो पूरे उसका क्या है ब्लडर पूरा खाली रहता है। लीवर कंटिन्यूटी में क्या बनाता है, पित्त का निर्माण करता है, लेकिन एक अगर पित्त निकल गया तो गॉल ब्लैडर खाली रहता है, फिर इकट्ठा होता रहता है उसे। इसका मतलब कंटिन्यूटी में जो काम कर रहा है वो इन है। अब मैंने कहा जब बार बार व्यक्ति को पेशाब हो रहा हो तो किडनी का ट्रीटमेंट देंगे या यूरिनरी ब्लैडर का, बताइए आप लोग बताइए, जब व्यक्ति को बार बार पेशाब हो रहा है, पेशाब कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो किडनी का ट्रीटमेंट देंगे या यूरिनरी ब्लैडर का। हेलो सर किडनी सर, किडनी का किडनी क्यों बोल दिया, किसने बोला किडनी बोला, किडनी इन है, फंक्शन मतलब आपका फंक्शन की प्रॉब्लम हो रही है ना भाई, क्या प्रॉब्लम हो सर रही है, फंक्शन बार बार यूरिनरी पेशाब होना फंक्शन है। ओके आप यूबी को चूज करेंगे ना, पहले तो किस मेरिडियन में आपको ट्रीटमेंट देना है ये कंसेप्ट यहां से क्लियर होगा, क्योंकि इन यांग में कन्वर्ट करेंगे तो समझ आएगा यहाँ पे, क्लियर है आपको। मैंने कहा बार बार पेशाब हो रहा है तो यूबी का प्रॉब्लम है, वो यूरेथ्रा में कोई या तो गर्मी बढ़ गई है या कुछ दिक्कत प्रॉब्लम है या कोल्डनेस बढ़ रही है, इसकी वजह से वहां क्या हो रहा है, पेशाब बार बार हो रही है आपको। इसका चर्चा करेंगे हम, पहले तो कंफर्म ये हो जाए कि किडनी का ट्रीटमेंट करेंगे या यूबी का, ठीक है ना। तो इन सारे चीज को आपको ध्यान रखना है, ऐसे किसी भी चीज में जो प्रॉब्लम आ गई इन और यांग का जो होगा, या तो देखे तुरंत की कोई प्रॉब्लम है या लंबे समय की प्रॉब्लम हो गया कि बेटी को पेशाब जो दिक्कत है लॉन्ग टाइम हो गया, बहुत लंबे समय की प्रॉब्लम है, तो यांग से वो इन में कन्वर्ट हो जाएगा, इसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा। एनर्जी क्या हो जाएगी, वो लॉन्ग टर्म से भी जो प्रॉब्लम होता है वो इन में चला जाता है, और तुरंत के जो प्रॉब्लम एक्यूट, एक्यूट मतलब समझ रहे हैं ना, एक्यूट मतलब तुरंत के प्रॉब्लम जो होता है वो यांग होता है, और बहुत पुराने जो प्रॉब्लम होती है डिजीज होता है वो इन हो जाती है, ये भी ध्यान रखना है आपको। मतलब तो सर मैंने जो इन और यहाँ, एकदम सर जो बोलिए अंदर बोलिए। बैठ गया है, जैसे आपने बताया कि जो इनर पार्ट होता है वो इन होता है, तो जो लंबे समय से बीमारी हम समझे कि अंदर बैठ गई है एक तरीके से, तो वो इन हो गया।
जैसे कोई भी प्रॉब्लम, जैसे खांसी, एक एग्जांपल मैं आदर्श बताता हूँ आपको, खांसी सर्दी जुकाम है, एकाएक आया तो क्या हो गया, वो एक सप्ताह तक रहा तो क्या वो सर्दी जुकाम है, लेकिन वही सर्दी जुकाम व्यक्ति को अगर 1 साल तक चल जाए, 2 साल चल जाए तो क्या होगा, वो सर क्या हो वो जाएगा, वो इन हो अस्थमा, जाएगा जी। हाँ अस्थमा में कन्वर्ट हो जाएगी, वो क्या करे लंग्स को क्या करे, लंग्स की स्ट्रक्चर को प्रॉब्लम करेगी, वहां जाकर जमने लग जाएगी, तो स्ट्रक्चर हो जाएगी, तो स्ट्रक्चर प्रॉब्लम हमेशा इनका होता है। अच्छा दिन और रात, दिन और रात में इन कौन सा है और यांग कौन सा है, कौन बताएंगे, बताइए जल्दी फटाफट बताइए, इन रात और दिन में इन कौन सा होगा और यांग कौन सा होगा। हेलो शालोनी, दिन से दिन दिन इन होगा इन और हाँ दिन रात इन होगा यांग, और रात जो है रात यांग यांग, यांग सभी लोग एक मत है। हाँ जी नहीं गलत से सर, बताइए आप, दिन इन यांग होगा सर, सर दिन हाँ जो है, यांग है और रात यिन है आप लोग पलट गए हैं बात को अपना। हाँ सर। आदर्श बता बताओ, आदर्श बताया क्या, आदर्श बताओ यार क्या होगा बता दो क्या मुझे लगता लगता है कि रात रात जो है वो इन होगा है। ऐसा क्यों जी, लगता है आपको, क्योंकि सर ऐसा क्यों मैंने लगता ये लॉजिक लगाया है कि जो जो फीमेल जो फेमिनिन एनर्जी है उसको हम इन कहते हैं बेसिकली, और जो मेल एनर्जी उसको यंग कहते हैं। तो जो रात है थोड़ा वो कोमल होती है, थोड़ा कठोर नहीं होती, ऐसे ही फीमेल क्या भी बात होती है, तो मैंने ऐसे है चलिए ठीक है ठीक है नहीं है सर वो ठीक है डार्कनेस में है क्योंकि रात है, तो वो इन इनसाइड है क्योंकि हमारी जैसे कि अंदर के सारे ऑर्गन्स हैं, तो इसलिए वो अंदर हाँ छुपे हुए हैं, डार्कनेस में है, इसलिए इन हाँ है। और देखो यांग देखो साइड में देखो देखो, दोनों कंसेप्ट चाहे कैसी भी समझ लीजिए आप, देखो रात में सब कुछ ढक जाता है, अंधेरा हो जाता है, अब देखो ये मुट्ठी के अंदर जब छुप गया सब अंधेरा हो गया, एक ऐसे भी समझ सकते हैं ठीक है ना। तो क्रिएटिविटी जो है हमेशा क्या ऐसा होता है, अंदर में होता है और बाहर क्या होता है, फंक्शन होता है। दिन में क्या होता है, सारे क्रियाविधि गतिविधियां होती है, दैट्स ऑल फंक्शन, इसलिए दिन यांग होगा, दिन क्या होगा यांग होगा। लेकिन कलर में मत जाइए, आपने कहा साहब ये कलर तो हल्का डिफरेंट कलर है, ये लाइट कलर है तो लाइट मतलब दिन होता है, ऐसा मत समझिएगा, ये इसलिए अंदर इसलिए कि सूर्य की रोशनी नहीं है यहाँ पे, इस लाइट और इसे तुलना कर लोग कर लेते हैं, तो हमेशा नाइट जो कैसा इन्हें कहा कोमल, ठीक है वो भी ठीक है, और दूसरी बात मतलब उसे क्या है डार्कनेस आज छुप जाता, सब कुछ छुपा हुआ होता है, और जो छुपा हुआ पार्ट है वो हमेशा इन होता है, और जो ओपन पार्ट है वो क्या होगा आपका यांग होगा। तो इस तरह हमेशा ध्यान रख लीजिए, कभी कभी कोई डिजीज जो है आपको है, पता ही नहीं चलता, मतलब एक रहस्यमय है, समझ नहीं आता प्रॉब्लम है क्या, कहाँ से आया, तो इसको आपको समझ जाना चाहिए, जो आपको समझ नहीं आ रहा है वो इनकी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि यांग तो हमेशा क्या है वो दिखता है, जब समझ नहीं आ रहा प्रॉब्लम क्या है तो कहीं ना कहीं वो इन आर्गन की प्रॉब्लम है, क्योंकि आपको समझ नहीं आया दिख नहीं रहा है वो, लेकिन है अंदर वो, तो ये इन यांग या किसी रोग को पहचानने के काम आता है। जो व्यक्ति बहुत बोलता हो बड़बड़ाता हो वो कौन सा प्रॉब्लम है, वो बड़बड़ाना आंसर यांग है, सिंपल है यांग है, और व्यक्ति इन कम बोलता है तो इनकी प्रॉब्लम, इन इनकी प्रॉब्लम। देखिए किसी भी चीज में ले लीजिए आप, अगर मान ले व्यक्ति को बार बार दस्त हो रहा है तो इनकी प्रॉब्लम ही यांग की है, यांग है बार बार दौड़ रहा है ना वो, फंक्शन प्रॉब्लम आ रही है ना, फंक्शन ही तो है वो दस जाना। हम हमें समझना पड़ेगा कि सिर पर यही जो कुछ पॉइंट में आपको चर्चा की है उस पॉइंट में आप लोग ठंडी और गर्मी, ठंडी और गर्मी में कौन सा इन है कौन सी यांग है, कविता बता दो निधि, ठंडी और गर्मी में कौन इन हो कौन से यांग है, सर ठंडी ठंड और इन गर्मी, होगी और गर्मी रुको यांग रुको रुको होगी। हिमांशु हिमांशु बेटा रुक जाओ, हाँ निधि निधि और कविता ये बता दो। हाँ जी ये लोग हो तो यहीं पे, सर ठंडी शायद यांग होगी और गर्मी यिन होगी, वाह क्योंकि वाह निधि निधि बता दो, निधि क्या बोल रही है, अब ठंडी तुम उल्टा बोल दो, इन और दोनों में चीजें एक सत्य हो जाएगा। सर ठंडी इन और गर्मी यांग। हाँ क्योंकि आपने ये ऐसा कहा, दोनों में देख सकते होंगे निश्चित तौर से, सालोनी बता दो तुम जो बोलोगे वही होगा, बता दो चाहे कैसे ही बोल दो सर मुझे लगता है कि ठंड जो होगी वो ऐसा येन होगी और गर्मी जो होगी वो यांग होगी क्यों लगता है आपको, डिफाइन सर, करो क्योंकि जरा सर जिस तरह से अभी हमने बोला कि दिन और रात के लिए बोला है, तो
ठंड भी हमारे मतलब उसको शीतल कर देती है, मतलब ठहरा देती है ठंडक से, और ऊर्जा मतलब दिन जो गर्मी होती है उससे हमारे मतलब नाइस ऊर्जा नाइस उत्पन्न होती है और मतलब नाइस नाइस एक्टिविटी नाइस, आती आप है। समझ रहे हैं, तो आप लोग मतलब बात को आप समझ रहे हैं, सही है, ये बिल्कुल राइट है, क्योंकि फंक्शन वही होता है जहां पे हीट होती है, गर्मी होती है, क्रियाशीलता गर्मी से ही आती है, और अन्य शब्दों में कहें तो क्रिएटिविटी पैदा होती है वो गर्मी से ही होती है, और जिस व्यक्ति के अंदर में गर्मी ज्यादा है ना, आग ज्यादा है ना, वो व्यक्ति जिंदगी में कुछ करता है, और जिसके अंदर जल ज्यादा होता है ना, वो व्यक्ति चुपचाप रहता है, शांत रहता है, वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, क्रिएटिविटी उसके अंदर पैदा नहीं हो सकती। आप लोग इन तत्वों के माध्यम से व्यक्ति के व्यक्तित्व को बता सकते हैं, बड़े महत्वपूर्ण है। जिसके अंदर पित्त प्रकृति होगा ना, पित्त प्रकृति व्यक्ति हमेशा क्रिएटिविटी होता है, फंक्शन उसके अंदर ज्यादा होती है, बदलने की क्षमता होती है। बड़े मजेदार है ये सारे चीज, इसका मतलब आप लोग को मेरे ख्याल से समझ आ गए, इन आया कि नहीं आया बताइए, बहुत कुछ है, हर चीज में इन और यांग है, हर चीज में, यानी एक सवाई जेड, लेकिन एक बात ध्यान रखना, इन और यांग हमेशा इन और यांग नहीं रहता, वो बदल जाता है, क्या होता है वो बदल जाता है, जैसे फॉर एग्जाम्पल आप जिसको इन कह रहे हो वो कल यांग भी हो सकता है, और आज यांग है वो कल क्या हो जाएगा, इन भी हो सकता है, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी स्थिर नहीं है, कोई भी स्थिर, एक समय विशेष पे कोई इन हो सकता है और उसी समय विशेष पे कोई क्या हो सकता है, यांग हो सकता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं आपको कुछ बताना चाहूंगा, क्या बताऊं मैं, एग्जाम्पल में देखता हूं मैं आ रहा है आसपास क्या है। फॉर एग्जाम्पल यदि मैं आपको ये ले लेता हूं, चलिए ये क्या है, ये डिब्बा है, दिखाई पड़ रहा है आपके पास, मैग्नेट डिब्बा मेरे पास है, इसका कवर क्या है मेरा, यांग पार्ट है, यस हाँ यस या नो, यस सर, हाँ यस स्पीकर ऑन कर सर। लिया, मुझे अच्छा लगता है कि मेरे सामने कोई बैठा है, वैसा लगता है, नहीं लगता है कि मैं अकेला बोले जा रहा हूं, और इसके अंदर में जो है सब कुछ क्या है, इन इन है, इन यस या नो, यस। यस सर, चलिए सर चलिए अभी 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 बदलने वाला, देखो ये खोल दिया मैंने, ये निकाल दिया टेप को, अब बताइए इसका, इसमें इन यांग है, यस सर, अभी तक तो आपने इन कहा था इसको, क्योंकि अंदर था तो इन कहा आपने, लेकिन बाहर निकाल दिया तो अब इसके जो ऊपर का पार्ट है वो क्या होगा मेरा, यिन हाँ अंदर इन है बाहर जो है यांग, देखो बदल गया ना, 2 सेकंड 1 सेकंड नहीं लगा बदलने में, क्योंकि वो अंदर बाहर निकल, वैसे ही मैंने कहा ये शरीर का ऊपर का भाग क्या है यांग, और अंदर का भाग क्या है इन, अगर किसी का पेट का क्या निकाले, स्टमक निकाले बाहर, स्टमक क्या कर दे, निकालना मत आप लोग, स्टमक बाहर निकाल दो, ठीक है, तो बाहर निकाल दिया तो स्टमक का भी बाहर कवर है, यस या नो, तो स्टमक का सर जो कवर है वो कवर क्या पार्ट होगा, वो यांग होगा, और स्टमक का अंदर का पार्ट क्या हो जाएगा, इन इन हो जाएगा, इसलिए प्रत्येक आर्गन का भी इन है और प्रत्येक आर्गन का भी यांग है, एक समय विशेष पे वो बदलता रहेगा, आप जिस दृष्टिकोण से देखेंगे वो बदलता चला जाएगा, बात समझते रहिएगा, हमेशा एक व्यक्ति एक ही नहीं होता, वो सब कुछ बदलता रहता है, पूरे सृष्टि में सब कुछ बदल जाता है, जैसे मैं यहाँ पे हूँ, मैं यहाँ पे एक आपके लिए एक टीचर के रूप में हूँ, यस या नो, यस सर, और यस आप स्टूडेंट सर, हैं, लेकिन मेरे परिवार में और कुछ है, सबके लिए मैं टीचर नहीं हूँ, अभी देखिए श्रीमती जी हमारे पीछे बैठे हुए हैं, उसके लिए मैं अभी क्या है, टीचर हूँ, ठीक है यस या, लेकिन हमेशा टीचर यस है क्या, नहीं, मेरे बच्चे हैं तो उसके लिए मैं पापा हूँ, देखिए सारा फंक्शन बदल जाता है, ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे एक एरो दिया गया, देख रहे हैं आप एरो, ऐसा ऐसा, देखिए इन जो है यांग को और यांग जो है इन को कन्वर्ट करता है, कन्वर्ट होता है, आपस में कन्वर्ट होता रहता है, देख पा रहे हैं एरो लगा है ना यहाँ से, जैसे स्मॉल इंटेस्टाइन, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम कब होती है, जो स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होता है, इसमें रस कम बनता है, जब रस कम बनेगा तो हार्ट पंपिंग नहीं कर पाता, तो हार्ट की प्रॉब्लम आ जाती है, मतलब एक दूसरे को क्या करता है, कंट्रोल करता है, लीवर और गॉल ब्लैडर, लीवर अगर पित्त नहीं बनाए तो गॉल ब्लैडर कहां से निकालेगा, चिपक जाएगा, सिकुड़ जाएगा, ये अगर स्टमक ने भोजन नहीं खाया तो स्प्लीन क्या उसको कन्वर्ट करेगा एनर्जी में, तो ये एक दूसरे का क्या करता है, सहयोग, अन्य शब्दों में इसको पति और पत्नी कह सकते हैं, ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस करता है, ये एरो का मतलब होता है बैलेंस करना, क्लियर, इतना क्लियर हो गया, यस या नो, यस सर। बोल लिया सर एक करो, क्वेश्चन था सर। हाँ बोलिए ना, क्वेश्चन के लिए हम तैयार हैं, सर ये जैसे आपने बोला कि बदलता रहता है इन और यांग, तो कन्वर्ट डिजीज होता है, लेवल कन्वर्ट में हो ये मतलब, हाँ
डिजीज लेवल पे ये कैसे कन्वर्ट होता रहेगा? जैसे आपने कहा ना कि आपने कहा सर यीन जो है क्या यांग को प्रभावित करता है, मतलब बदलने का मतलब एक दूसरे के एनर्जी को प्रभावित करता है, एक दूसरे को एनर्जी क्या करता है प्रभावित। जैसे घर में है, चलो घर में पति पत्नी है, तो पति पत्नी और पति पत्नी पति बन जाए ऐसा नहीं होगा भाई, सिंपल है। अगर मान लीजिए पत्नी को का स्वास्थ्य सही नहीं है तो दिक्कत पति को होगा या नहीं होगा बताइए, यस या नो, प्रॉब्लम आएगा। अगर हमारे पति को लंबे समय तक प्रॉब्लम है तो पत्नी को दिक्कत होगी कि नहीं होगी, इसलिए दिक्कत होगी क्योंकि वो घर में उसकी सेवा करते रहेंगे तो उनको प्रॉब्लम आएगी निश्चित तौर से है। तो क्या करेंगे, ये अपना एनर्जी यहाँ ट्रांसफर करेंगे और ये अपना एनर्जी यहाँ ट्रांसफर, क्योंकि दोनों एनर्जी ट्रांसफर करना ही पड़ेगा, यहाँ से एनर्जी यहाँ, यहाँ से एनर्जी आगे चलेंगे ना, इसके लिए बड़े अलग अलग पॉइंट्स दिया हुआ है। अगर ऐसे प्रॉब्लम हो जाए कि यूरिन ब्लड की एनर्जी कम हो जाए तो किडनी से कैसे एनर्जी यहाँ दे सकते हैं ताकि ये इसकी एनर्जी बैलेंस हो जाए, इस बैलेंस करने के लिए अलग अलग पॉइंट्स बना हुआ है। वो पॉइंट्स कैसा होगा मैं जब आगे आपको थेरेपी के बताऊंगा, इसका पैसेज पॉइंट, हॉररी पॉइंट और वो पॉइंट सब चर्चा करूंगा। तो ये पॉइंट में क्या है, एनर्जी कन्वर्ट किया जाता है मेरिडियन के माध्यम से, पहले ये सर समझना पड़ेगा सर आपको। इन जी से यांग में बदलता है कोई भी डिसीज हो तो? इन नहीं, यांग से इन में आता है फंक्शन, पहले फंक्शन बदलता है ना, पहले ओके सर। फंक्शन प्रॉब्लम आएगी फिर उसका क्या होगा। जैसे मान ले एसिडिटी, पहले क्या होता है आपने कभी कहीं गया पार्टी में ज्यादा खा लिया तो पहले क्या बनेगा, अल्सर बन जाएगी क्या, नहीं पहले अल्सर नहीं बनेगा, पहले क्या होगा आपको एसिडिटी बनेगी, खट्टी धकारे आएगी और लंबे समय खट्टी धकारे जलन होगी, जलन होते होते क्या करेगा पेट में छाले पड़ जाएंगे, छाले के बाद फिर क्या हो जाएगा आंतों में क्या हो जाएगी उसमें घाव बन जाएगा, घाव से छेद हो जाएगा, ये फंक्शन आ गया, आ इन में आ गया। स्ट्रक्चर में जब प्रॉब्लम होगा तो इन होगा, पहले क्या हो जाएगा फंक्शन, कोई दिक्कत, पहले प्रॉब्लम फंक्शन की होगी। ओके सर। कभी सर क्या कभी हमेशा ये ऐसा प्रॉब्लम फंक्शन से ही होती है? कभी स्ट्रक्चर में पहले आती है हो तो सकता वो है, हो फंक्शन तक के सकता जा है, जाती है? हो सकता है। ये प्रॉब्लम कब आएगी जो आपको कह रहे हैं, नहीं आप जो इन प्रॉब्लम है वो हो सकता है बाई बर्थ प्रॉब्लम आती है, जैसे कहते हैं ना लंबे समय से बाई बर्थ ही कोई ऐसे प्रॉब्लम आ जाता है, अंदर से पैदा हो जाती है। मैं ऐसा नहीं कर सकता कि हमेशा प्रॉब्लम, लेकिन अक्सर प्रॉब्लम फंक्शन से ही आती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इन से नहीं आ सकती, इन से भी आती है। कभी कभी इंटरनल ऑर्गन अपना क्या है काम करना बंद कर देता है तो बाहर के फंक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है, में भी संभव है दोनों तरह से प्रॉब्लम, लेकिन अक्सर जो प्रॉब्लम देखा गया वो फंक्शन से ही आती है, बाहर से आती है, बाहर से अंदर आती है, अंदर से बाहर कम आती है, लेकिन अंदर से भी बाहर से होते, इंटरनल प्रॉब्लम बोलते हैं। एक एक्सटर्नल होता है एक इंटरनल होता है, तो एक्सटर्नल बाहर से आता है वो फंक्शन से आती है, और इंटरनल जो आता है वो इन से आती है। हमेशा इंटरनल कोई प्रॉब्लम आएगी वो इन से आएगी, और एक्सटर्नल जो प्रॉब्लम आती है सर्दी जुकाम खांसी कुछ भी हो, कुछ खाया पिया, वो सारे प्रॉब्लम किससे होगा आपको, यांग से प्रॉब्लम आएगी। तो ये आपको तय करना पड़ेगा कहाँ से है, इसके लिए बहुत सारे डायग्नोसिस के टूल्स हैं, उस टूल्स के बारे में चर्चा करेंगे हम लोग, लेकिन पहले हम लोग इस फंक्शन इसके बारे में पहले जो 5 एलिमेंट बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं आप लोग पूछते रहिए, तो ये इतना क्लियर है। थोड़ा आगे चलता हूँ मैं, अब देखिए इसमें एक चीज है 5 एलिमेंट, देखो ये वाला जो चार्ट जो हमने दिखाया था ये वाला, इसको समझना महत्वपूर्ण है। इसको कहते हैं जनरेटिव या फिर डिस्ट्रक्टिव साइकिल, इसको बोलते हैं कंट्रोल साइकिल 5 एलिमेंट का। ये आपको समझ आया, सभी को समझ आया कि नहीं आया पहले बताओ, यस या नो, यस सभी को समझ आ गया है, आ गया है समझ, नहीं यस नहीं सर। मैं अभी समझाया नहीं हूं, कोई टीचर आपने पढ़े होंगे पढ़ाया होगा, समझ आया है ना, ये मैंने अभी कुछ नहीं की बताया आपको इसके बारे में, मैंने अभी तो केवल ये बताया है केवल ये तत्व ये होता है, कौन किसको जनरेट करता है कौन किसको कंट्रोल करता है ये नहीं बताया मैंने अभी आपको, अभी जितना बताया वो तो समझ आ गया हो, लेकिन और भी इसका काम है, कौन किसको कंट्रोल करता है ये समझ आया है आप लोग को, क्यों कंट्रोल करता है ये समझ आया है आपको। अगर ये समझ आ गया तो आप लोग सारे थेरेपी ले सकते हैं, अगर ये समझ नहीं आया तो समझना चाइनीज एक्यूपंचर किसी ने सीखा ही नहीं है, वो जानता ही नहीं इसके बारे में, समझिए आप, ये इसके जान है, ये क्या है इसकी ये जान है, ये बात ध्यान रख लेना। एक बार मैं चर्चा करता हूं इसमें, सबसे पहले इसको बोलते हैं जनरेटिव, मतलब कौन किसको पहले बनाता है, बनाने वाली प्रक्रिया जो क्या होगा उसे कहेंगे हम लोग जनरेटिव साइकिल, ठीक है।
तो देखिए ये जो हो सबसे पहले इसमें जनरेट होता है। कौन किसको जनरेट करता है, कहते हैं ना पूरे सृष्टि में लाइफ साइकिल होती सभी की, और जिसकी लाइफ साइकिल नहीं होती वो सृष्टि से समाप्त हो जाती है। पता है आप लोगों को ना, जिन्हें अपने सर्कल नहीं बना पाते, लाइफ साइकिल नहीं बना पाते, वो इस सृष्टि में रहता ही नहीं है। इसलिए यहाँ पे जिससे हर एक चीज की लाइफ साइकिल होती है। पॉलीथीन की लाइफ साइकिल नहीं है, पॉलीथीन की क्या है लाइफ साइकिल नहीं है, या तो वो मनुष्य को मारेगा या खुद भी मरेगा, दोनों में से एक होगा, या तो पॉलीथिन समाप्त हो जाएगी या तो मनुष्य समाप्त होगा, सृष्टि समाप्त होगी, ठीक है ना। जिसकी लाइफ साइकिल का, लाइफ साइकिल समझ रहे हैं आप, जैसे जीव जंतु पेड़ पेड़ पौधे का लाइफ साइकिल होती है। जैसे कोई फल खाया, उसके बीज को क्या किया आपने, जमीन में डाल दिया, सड़ गया, पौधे उग गया, पौधे ने फिर बढ़ा, फिर बढ़ के फल फूल हुआ और बूढ़े हो गए, टूट गया, नष्ट हो गया, फिर वो फल, फिर पौधे उगा, फिर हुआ, ये साइकिल हो गई, रिसाइकलिंग कहते हैं इसको, रिसाइकिल होनी चाहिए। वैसे ही इन पांचों तत्वों की रिसाइकलिंग होती कि नहीं होती, शरीर में रिसाइकलिंग होनी चाहिए, अगर नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम आएगी। तो कैसे होता है देख लीजिए आप, बड़े ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले जीवन में आवश्यकता किसकी होती है, वुड की, वुड मतलब वायु की। मान लिया हम लोगों ने इसको एक एग्जाम्पल, जब बहुत अच्छा आपके साथी लोग हमारे पढ़ाए थे, वो लोग समझाए थे, समझे या नहीं समझे, एक बार मैं पढ़ा दिला रहा हूँ इसको आपको। ये आपका क्या है, उड है, वायु है। जीवन में सबसे आवश्यकता किसकी होती है, वायु की, यस, ठीक है ना। और थोड़ा सा आप लोग स्पीकर भी ऑन करके रखें, यस बोलेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, आप लोग सुन रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हमने क्या किया, जीवन आवश्यकता होती है। वायु से क्या पैदा होती है, अग्नि। कैसे, हमारे वॉल्यूम वन बुक है जो है, इसमें आप पेज संख्या, इसके बारे में चर्चा किया गया है, पेज संख्या 9 पे दिया गया है, ठीक है ना। ये पेज संख्या 9 पे इसके बारे में लिखा हुआ है, आप लोग देख पाएंगे, ठीक है ना। क्रिएटिव साइकिल इन जनरेटिव साइकिल, उत्पादक चक्र के रूप में लिखा हुआ है। पेज संख्या 7 से शुरू हो गया, 8 में तो अलग से चार्ट दिया, 9 में उसके बारे में चर्चा किया गया, ठीक है ना। अब देखिए, अब फायर कैसा सर पैदा होता है, इसमें फायर कैसा होता है, लाइफ जी साइकिल मतलब क्या मतलब हुआ इसका जीवन लाइफ चक्र, साइकिल? जीवन चक्र, हाँ जी। तो देखिए यहां से वायु है, वायु से पैदा होती अग्नि। कैसे, फॉर एग्जाम्पल दिया गया है, जंगलों में जो आग लगती है उसकी वजह क्या होती है मालूम है, दो लकड़ी अगर पेड़ पौधे टकरा जाए गर्मियों में तो क्या होती है, वहां से चिंगारी पैदा होती आग। तो इसको एक बार एप्पल समझ लें, बहुत ज्यादा दिमाग मत लगाइएगा इसमें। तो ये दो लकड़ियों के जो घर्षण से क्या पैदा होती है, आग। तो किसने आग को पैदा किसने किया, लकड़ी, उड़ने वायु ने पैदा किया, इस तरह से समझ जाएंगे आप, ताकि आसानी समझ जाएंगे आप। तो वृक्ष से क्या पैदा हुआ हमारे पास, अग्नि, ये जल गया, तो जलने से क्या पैदा हो गया हमारे पास, राख। क्या पैदा हुआ वहां से, राख। तो ये राख क्या बन गया, अर्थ। समझते रहिए इसको, मैं और समझाऊंगा अच्छी तरह से। ये हो गया अर्थ, और अर्थ के अंदर क्या पाया जाता है, मेटल। मेटल मतलब धातु, सोना चांदी लोहा जो कुछ भी है, ये लोहा पाया जाता है किसके अंदर में, पृथ्वी के अंदर। तो पृथ्वी ने क्या पैदा किया, मेटल। अच्छा मेटल किस रूप में होता है पृथ्वी के अंदर में, पता है आपको, लिक्विड फॉर्म में होता है। किस फॉर्म में होता है वो, लिक्विड फॉर्म, क्योंकि पृथ्वी के अंदर क्लोर है, क्लोर में बहुत ज्यादा हीट है, और पृथ्वी के अंदर भी जल तत्व की विद्यमानता होती है। तो इसने क्या, ये सारा लिक्विड में होता है और वाटर भी होती है, इसने क्या किया, मेटल ने क्रिएट किया किसको, वाटर को। और वाटर की आवश्यकता किसकी होती है, वाटर जो जनरेट करता है, पैदा करता है किसको, पेड़ पौधे वृक्ष वनस्पतियों को, ये लाइफ साइकिल हो गया। चलिए ये तो मतलब मैंने बहुत सिंपल कहा, आपको बहुत सारे तर्क वितर्क कर सकता है ऐसा कैसा होगा, सिंपल से ले लीजिए आप इसको, सर बच्चे तो ले लीजिए, शुरू बचपना, शुरू कहाँ से होगा? ये आपका समझ लीजिए विंड से, वायु से, उड से, चंचलता, इसको लीजिए अपने जीवन का। आपके अगर मनुष्य है तो मनुष्य की जीवन को ले लीजिए, ये बचपा बच्चा है, यहां पैदा हुए आप। तो बच्चों में देखिए सबसे ज्यादा क्या होती है, चंचलता। बच्चे बहुत चंचल होता है या नहीं होता है, यस या नो, यस हेलो, सर यस सर, हाँ भाई, हम सभी यस बच्चे रहे, कभी आपको याद होगा बचपना याद कीजिए। तो ये आपका बचपना है, चंचलता बहुत ज्यादा होती है। अगर देखिए इसको आप क्या है, हमारा लाइफ साइकिल कितने साल का है पता है आपको, 60 साल का है। कितने साल का है, 60 साल का। तो 10-10 का इसको डिवाइड कर लीजिए, कितने में कर लीजिए, 10-10, ये इसको हम दो भागों में डिवाइड किए फायर को, ठीक है, तो 10-10 का डिवाइड हो जाएगा, ये 10 साल होगा। 1 से 10 साल बच्चा कैसा होता है, बहुत ज्यादा चंचल होता है, यस या नो, बोली, यस या नो, हेलो, हाँ। अब देखिए ये यस सर टीनेजर्स है, ये कौन सा है, टीनेजर्स, टीनेजर्स मतलब 11 to 19, 20 मान लो, ये टीनेजर्स हम लोग बोलते हैं, 19 जो 10 to 20 तक का। यहाँ पे क्या होती है, आग होती है,
जरा 11 से 19 साल के बच्चों को जरा एक कुछ चिल्ला कर देखो, बोल कर देखो, उस आंख बबला हो जाता है उसके अंदर, कुछ करने की क्या जुनून होती है उनके अंदर, मुझे कुछ करना है, कुछ होना है, या अन्य शब्दों का जितने भी उसके अंदर में जो हार्मोनल चेंजेस होती है वो इसी उम्र में होता है। दाढ़ी मुंचाना या मेंसेज वगैरह जो कुछ भी है वो ये फायर का काम होता है। फायर का काम होता है कन्वर्ट करना, बदल देना। ये तो 10 साल, ये 10 साल हो गया, और फिर 10 साल इसी में और भी है 21 से 30 तक का। यहाँ पे व्यक्ति इतना दौड़ करता है, वो कहता है कि इसी हमारा जीवन हम स्टेब्लिश हो जाए, इसके बाद तो फिर क्या है अर्थ आ जाएगा। व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, 30 साल तक व्यक्ति कर सकता है, बन सकता है, उसके बाद तो व्यक्ति बस क्या है वो हाथ पैर मारता है, वो ज्यादा कुछ नहीं कर सकता। बनने का उम्र जो क्या है आपका 21 से 30 का होता है। यहाँ व्यक्ति अपना लक्ष्य पे पहुंचना चाहता है, तो मतलब 11 से लेकर के ये आपका 30 साल का उम्र जो पूरे फायर का है, और तेज अग्नि होती है यहाँ पे 21 से 30 में, तो ये दोनों फायर का हो गया। उसके बाद क्या हो गया, और ये सर जो होगा जीरो से दस 30, जी हेलो, 0 से 10 0 से 10 यही है ना, विंड है ना, वुड है ना, वुड ये वायु बताया था ना, वुड जो है 0 से 10 में यही है, 10 से 20 में आपका, और 20 से 30 में ये फायर है, हीट एंड हॉटनेस दो बताया था आपको, दो भागों डिवाइड किया था इसको मैंने, ठीक ठीक है हाँ ना। हाँ ये ठीक देखो है ठीक यहाँ पे हमने दो भागों डिवाइड किया था, ठीक है ना, ये दो भागों में ये हीट है, ये हॉटनेस है, इसको हमने यहाँ पे दिखाया था आपको, ये इसको दो भाग नहीं कर पाए सॉरी। तो हीट का कलर जो है रेड है, हॉटनेस कलर क्या होगा ऑरेंज है, ये बात ध्यान रख लेना, हॉटनेस कलर क्या होता है ऑरेंज होता है, ये पूरा रेड दिखाया हूँ लेकिन इसको मैंने कन्वर्ट नहीं कर पाया सॉरी, ठीक है। अब ये 30 से जो 40 है वो अर्थ है, अर्थ मतलब प्रोस्पेरिटी, शादी हो गया, विवाह हो गया, शादी विवाह हो गया, तो यहाँ पे स्थिरता आती है, शरीर मोटा देखना, व्यक्ति 30 से 40 में क्या होता है शरीर बनने लग जाता है, शरीर फूलता है उसका, यहाँ तक शरीर नहीं फूलेगा, किसी का फूल जाता है बात अलग है, ये यहाँ पे क्या है प्रोस्पेरिटी आती है, समृद्धि आती है, अर्थ है, अर्थ मतलब स्थिरता। व्यक्ति सोचता है बहुत कुछ जिंदगी में हो गया, कुछ कर ले, घर बसा ले, बसता है व्यक्ति, यहाँ स्थिर होता है, ये वाले क्या होता है, ये आपका पृथ्वी तत्व है, मैंने लाइफ साइकिल बता रहा हूँ देख लीजिए। इसके बाद 40 से 50 में क्या होता है, ये हो गया मैटर, ड्राइनेस आता है, आप कहता है यार बहुत कुछ हो गया, देखिए हमने पढ़ाई भी कर लिया, घर भी बस किया, बचाया सब कुछ हो गया, घर संपत्ति हो गया, अब थोड़ा सा क्या करें, बहुत हो गया, थोड़ा से आराम से जिंदगी जी, तो आराम से मतलब कहता है, कोई कहता है पापा ये काम कर लो बेटा बहुत कर लिया हमने, अब तुम्हारा जमाना आ गया है, ऐसा कहता सुना है आप लोगों ने कभी, हमने बहुत कुछ कर लिया अब तुम्हारे जमाना है। ये जो होता है ड्राइनेस, उदासी सर जो होता है, यही होता है जो 40 से 50 उम्र वाले व्यक्ति को ही कहते सुनेंगे आप, इसी उम्र में कहता कहता है बहुत कुछ हो गया हमारे लिए, अब जब ऐसा व्यक्ति बार बार कहे कि हमने कर लिया तुम्हारा जमाना आया, समझना उसका मेटल की प्रॉब्लम है, मेटल मतलब लंग्स और लार्ज इंटेस्टाइन की प्रॉब्लम है, या तो पेट में कॉन्स्टिपेशन है या तो लंग्स में सांस लेने की दिक्कतें हैं उसको, इन दोनों प्रॉब्लम ही ऐसे व्यक्ति कहेगा कि हमने बहुत कर लिया तुम्हारा कर, ड्राइनेस। अगर मान ले डेंड्रफ आ रही बाल में और शरीर में क्या है, अगर मान ले छाये क्या बोलते हैं डेंड्रफ या फिर स्किन में कहीं सिकुड़न या बहुत सारी चीज झाइयां वगैरह जो भी होती है, ये या तो पेट में बड़ियात की प्रॉब्लम है या लंग्स की प्रॉब्लम है, दो में से एक प्रॉब्लम आती है, डन, किसी की दिक्कत है क्या। इसके बाद आपको 50 से 60 वाटर मतलब कोल्डनेस ठंडापन, अब हाथ पैर ठंडा होना शुरू होता है, ठंडा मतलब जोड़ों में अर्थराइटिस की प्रॉब्लम हो जाएगी, व्यक्ति स्वाद क्या है चलना दिक्कत हो जाएगा, अब शरीर जो है क्या है ठंडा होना शुरू होता है, ठंडा होना मतलब समाप्त होना, यहाँ पे वो व्यक्ति क्या होता है पूरे शरीर ठंडा हो गया, तो राम नाम सत्य हो जाता है, मर गया, अब मर गया फिर यहाँ जन्म लेगा वो, फिर ये चलेगा, तो जीवन का भी लाइफ साइकिल ऐसा ही चलता है, ध्यान रख लीजिए। किसी दिक्कत है क्या, कोई क्रॉस क्वेश्चन करना चाहे कर लीजिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, सर अगर किसी की हेलो, उम्र ज्यादा है वो 80-90 साल तक जी रहा है तो हाँ तो इसको इसको कन्वर्ट कर दो ना, इसको बढ़ा दो उसके अकॉर्डिंग। वैसे हमारे यहाँ तो योग में आयुर्वेद ने कहा गया जीवेम सर्दा सतम, 100 साल कहा गया है, कितने साल कहा गया है 100 साल, 100 साल मनुष्य की उम्र 100 साल, लेकिन अभी साइंटिफिकली अगर देखा जाए तो रियली व्यक्ति का एवरेज उम्र जो 60 साल है, कितना है 60 ईयर है, 60 से ज्यादा व्यक्ति जीता नहीं, देखने 60 साल में अधिकतर व्यक्ति एक बैलेंस में सब लोग समाप्त हो जाते हैं, वो जीते हैं 70 80 90 जीता, लेकिन एवरेज जो है 60 ईयर एज अभी रह गया हमारे पास 60 साल, लेकिन आयुर्वेद कहता है नहीं 100 साल, मनुष्य की उम्र कितना है 100 साल है, एवरेज उम्र 100 साल रहा है, अगर वैसा होता है तो आयुर्वेद पढ़ाएंगे ना, आयुर्वेद में 100 साल ले आएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी इसको चाइनीज के अकॉर्डिंग पढ़ लीजिए, आयुर्वेद में जानेंगे 100 साल कर देंगे उम्र, ठीक है ना,
अगर मान ले कोई व्यक्ति जीता है, मान ले जाए और कह रहे आप लोग 70 हो गया, तो क्या करेंगे, तो इसको उसके अकॉर्डिंग डिवाइड कर लीजिए, उसको क्या कर लीजिए, उसके अकॉर्डिंग उसको डिवाइड कर लीजिए, 70 को 7 से, आपके 6 से क्या कर दीजिए, उसको डिवाइड कर दीजिए, तो निकल जाएगा सबके लिए अलग अलग, डन। ठीक जी सर। और किसी को कोई पूछ बताइए, इसमें इसमें किसी दिक्कत हो रहा है बताइए। अब इसमें देख लीजिए, अगर मान लीजिए इसमें आपको सन और डॉटर, नहीं सॉरी, फादर एंड सन, कौन फादर कौन मदर होगा, कौन इसका सन होगा बताइए। वुड और फायर में, वुड और फायर में मदर कौन है और सन कौन सा है, कौन बताएंगे बताइए। मदर तो वो दो ही ना, हाँ, जिन्हें पैदा किया वो तो माँ ही है, और जो पैदा हुआ वो क्या हो गया, ये सन वो उसका बच्चा, उसका सन पुत्र है, या सन या डॉटर, कुछ भी कर लीजिए, ठीक है ना। अब देखिए फायर और अर्थ में कौन मदर और कौन सन है बताइए। फायर मदर हो गई, अर्थ फायर सन। मदर सन हाँ, और अर्थ जो है सन। अब अर्थ और मेटल में बताइए कौन सन है कौन सा उसका ये है। अर्थ मदर है और अर्थ मेटल सन मदर है। वेरी गुड। और इसमें मेटल और वाटर में, तो मेटल मदर है और वाटर क्या है, सन। अब वाटर और हाँ वुड में, वाटर इज ए मदर और वुड इज ए सन। अब इसे ग्रांड मदर कौन सा होगा बताइए। वुड का गुड। ग्रांड मदर कौन सा है, मतलब मेटल दादी कौन होंगी, मेटल दादी कौन होंगी इसकी। मेटल 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 हाँ, मेटल। और मेटल की दादी, फायर फायर और फायर की फायर दादी वाटर वाटर वाटर। अच्छा बताइए, घर में बच्चे को देखभाल कौन करती है बताइए। खैर आजकल तो दादी एकल परिवार हो गया, बच्चे को कंट्रोल मदर करने वाली दादी दादी होती है, ध्यान रखना, दादी। दादा और हाँ दादी जो क्या उसके कंट्रोलर होते हैं, ध्यान रखिएगा, कंट्रोल जो होती है दादा दादी ही करते रहे हैं बस संयुक्त परिवार में। आजकल तो एकल परिवार हो गया तो वो तो जमाना ही गया, लेकिन कंट्रोलर जो होता है दादी होता है, इसलिए ध्यान रखना। फायर को कंट्रोल करने वाला कौन होगी उसकी दादी, दादी मतलब वाटर, सभी की दादी सभी को कंट्रोल करेंगे। ये आप अगर आसान शब्दों में समझ ले तो समझ सकते हैं। मैं दूसरा स्लाइड देखता हूँ, देखिए ये स्लाइड आ गया आपके पास। मैंने अभी बताया था आपको जनरेटिव साइकिल, सृजनात्मक चक्र बोलते हैं। सॉरी आप लोग का टाइम ज्यादा, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही, आप लोग कहीं जाना है क्या किसी को, क्लास वगैरह। हेलो, नो सर, क्लास क्लास चल रही है क्लास सर। चल रही है बेटा। अच्छा, यस सर, तो साढ़े ऐसा करते ग्यारह हैं, इसको हम लोग कल चर्चा कर लें क्या, जी मैं सर, है ना, जी सर, इसको मैं कल चर्चा जी करूंगा, सर, ठीक है, ज्यादा हो जाएगा। ओम शांति शांति।